नमस्कार, मैं हूं जयनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ के बाद मंत्री रामनिवास रावत को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक को ही बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है, सरकार को इस्तीफे का तो इंतजार करना चाहिए था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को हाल ही में कांग्रेस के विधायकों ने प्रमाण के साथ शिकायत करते हुए रामनिवास रावत की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कांग्रेस के ही विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी। पहले रामनिवास रावत को इस्तीफा देना चाहिए था। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सोमवार यानी आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में रामनिवास रावत ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उन्हें मंत्री पद की शपथ एक बार नहीं बल्कि दो बार लेनी पड़ी। दरअसल पहली बार शपथ लेने के दौरान रावत के मुंह से गलती से राज्य मंत्री निकला था, इसकी वजह से उन्हें दोबारा से मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री बुलवाकर शपथ दिलवाई गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ दायर दुष्कर्म के मामले को खारिज कर दिया है। दरअसल महिला 10 साल से अधिक समय से शख्स के साथ रिश्ते में थी और दोनों ने अपनी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए थे। 2 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने इस मामले को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। HC के आदेश के अनुसार महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं जिनके बीच 10 साल से अधिक समय तक सहमति से शारीरिक संबंध थे। पुरुष द्वारा उससे शादी करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि ये याचिकाकर्ता जो कि पुरुष हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने को उचित नहीं ठहराता। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एडवांस एजुकेशन पर जोर देते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर ने बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए 6 कोर्स बनाए हैं। ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से शिक्षकों, छात्रों और आम जनता को बेहतर सीखने के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित स्वयं पोर्टल कई सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है। AMRC द्वारा बनाए गए 6 पाठ्यक्रमों में फोटोग्राफी की मूल बातें, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग, सोशियोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप एंड बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर जिले के भेरा गांव के रहने वाले दयाचंद बीती रात अपने छत पर सो रहे थे। इस दौरान उन्हें करंट लग गया। परिजन उन्हें टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय लाए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अस्पताल और परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।